क्या किस करने से प्रेगनेंसी हो सकती है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत सारे टीनेजर्स और इनफैक्ट कपल्स के मन में भी होता है, तो चलो आपके इस क्वेश्चन का जवाब साइंटिफिक तरीके से देते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर फीमेल प्रेग्नेंट कैसे होती है। फ्रेंड्स, एक फीमेल जब भी प्रेग्नेंट होती है जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग एक साथ फ्यूज होते हैं, और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, और वो होता है इम्प्लांटेशन। दरअसल जब एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं तो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और ये एम्ब्रियो जब यूट्रस के साथ जाकर चिपकता है तो इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और जब ये दोनों प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब भी एक फीमेल प्रेग्नेंट हो पाती है। और फ्रेंड्स, ये दोनों प्रोसेस जब भी सक्सेसफुल होंगे, जब मेल और फीमेल दोनों एक साथ ओव्यूलेशन डे वाले दिन फिजिकल रिलेशन बनाएंगे। ओव्यूलेशन डे? रोहित, अब ये क्या होता है? फ्रेंड्स, मेल के पास तो स्पर्म्स हर टाइम होते हैं, लेकिन फीमेल के पास एग महीने में बस एक ही दिन होता है, और उस दिन को ही हम ओव्यूलेशन डे कहते हैं। और अगर मेल और फीमेल ओव्यूलेशन डे के आसपास फिजिकल रिलेशन नहीं बनाते तो फीमेल प्रेग्नेंट भी नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, प्रेग्नेंट होने के लिए स्पर्म्स और एग का मिलना बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, फीमेल को प्रेग्नेंट करने के लिए फर्टाइल डेज में, यानी ओव्यूलेशन डे के आसपास फिजिकल रिलेशन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसलिए ही सिर्फ किस करने से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, क्योंकि जाहिर सी बात है कि किस करने से फीमेल एग और मेल स्पर्म एक साथ फ्यूज ही नहीं होंगे। और फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस लोगों के मन में इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे स्कूल्स में इसके बारे में कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता। खैर, स्कूल्स का तो पता नहीं, पर इस चैनल पर आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, तो इसलिए ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।